श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और परले काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वसुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों प्रकार गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है, और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है, क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में ही भी लगाता है, और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, और तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है, और हे अर्जुन, रजोगुण गुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं, तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां यह सभी उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है,
और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है अर्थात गुण को ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा यह पुरुष इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है और हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुए गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है और जो पुरुष अव्याभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म को एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा अमृत अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ।